हाय टू फैमिली, आपका स्वागत है बबीता किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। सरसों का साग मैंने मेथी लिया, पालक लिया है और बथुआ लिया, सोया लिया, सब चीज़ मिक्स करके मैंने काट के धो लिया है अच्छे से। हम कुकर में डालेंगे इस तरीके से, इसमें सीटी लगा देंगे कुकर में। अब एक चम्मच हम नमक डालेंगे और एक गिलास पानी डालेंगे। एक गिलास पानी डाल के अब इसको 5-7 सीटी लगा लेंगे। हम 7 सीटी लगा लेंगे, उसके बाद अब कुकर को खोल ले रहे हैं, घोट लेंगे। तो हमारा साग गल गया है, ऐसे बनना चाहिए। अब हम इसको घोल बना ले रहे हैं मक्के का आटा का, और हैं लगाएंगे। मक्के का आटा लिया है मैंने, उसको घोल लेंगे। बहुत लोग ऐसे ही डाल लेते हैं सूखा, उस चीज़ को आटे में डालने से गिरते सी हो जाती है, इसलिए पानी में घोल के डालने तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब इसको डालेंगे घोल को और अच्छे से चला लेंगे। इसको ऐसे चलाते रहेंगे इस तरीके से। अब डालेंगे मिर्चा, कुटी कोट कर पीस कर रख रखी थी, उसको डालेंगे। तो हमारा पक गया, इस तरीके से घोटना है, ऐसे घोटते रहना है जब तक हमारा साग अच्छे से घुट नहीं जाता। जितना ही घुटेगा उतना ही साग अच्छा बनेगा। इस तरीके से मथनी से घोट लिया, इस तरीके ऐसे मथनी से, इस तरीके से घोटते ऐसे घोटना। साग बनके तैयार हो गया इस तरीके से, ये देखो ऐसा बनके तैयार। अब हम तड़के की तड़का लगाएंगे। अब इसको ऐसे बनने में कम से कम 20 मिनट लगे हैं। 20 मिनट में हमारा साग परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। ये गर्म हो गया है, अब डालेंगे हींग, लहसुन जो काट कर रखा था, अब डालेंगे हम साबुत मिर्च। हमारा लहसुन पक गया है, अब हम लगाएंगे तड़का। अब हमारा सरसों का साग बनके हो गया तैयार इस तरीके से। सरसों का साग हमारा तो फेवरेट है, आपका फेवरेट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारा साग बनके हो गया तैयार। हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।